प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा गरीब किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन कर किसानों की आय में वृद्धि को लेकर कई जतन किए जा रहे हैं। वहीं सहकारी संस्थाओं में कार्यरत व्यवस्थापकों द्वारा किसानों की राशि को हड़पने से परहेज नहीं किया जा रहा है। ऐसा मामला झाड़ौल उपखंड क्षेत्र के देवास सहकारी समिति लैंपस के सामने आया है। अध्यक्ष द्वारा व्यवस्थापक के खिलाफ गबन को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। देवास लैंपस के अध्यक्ष नारायण लाल बडेरा ने पुलिस थाना में रिपोर्ट देकर बताया कि देवास लैंपस में व्यवस्थापक के पद पर गोगला निवासी पवन चन्नावत कार्यरत है। व्यवस्थापक द्वारा अध्यक्ष के फर्जी कुट रचित हस्ताक्षर कर लैंपस की राशि हड़प ली थी, जिसकी शिकायत अध्यक्ष द्वारा उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति उदयपुर को की। उप रजिस्ट्रार की जांच में 33,43,000 रुपए कुट रचित हस्ताक्षर कर बैंक से राशि निकालकर देवास लैंपस के किसानों, श्रमिक समिति के लाभार्थियों के साथ धोखाधड़ी की है। देवास लैंपस व्यवस्थापक के खिलाफ पुलिस थाना झाड़ौल में विभिन्न धाराओं में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच एएसआई मांगीलाल मेघवाल को सौंपी गई।